अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं उतारिक महमूद फोन फोरी चैनल के अंदर आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद है खैरियत से होंगे आज आप सब लोग। आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि हम लेके आए हैं स्पीड टेस्टिंग, वो भी टेक्नो स्पार्टन सी वर्सेस रेडमी 12 की। 4 GB के अंदर दोनों डिवाइसेज अवेलेबल हैं जिनकी हमने टेस्टिंग करनी है। रेडमी 12 जो है वो न्यू डिवाइस शाओमी ने 4 GB 128 GB के अंदर लॉन्च की है। तो अब हमने देखना ये है कि क्या ये 10C को बीट कर सकती है या नहीं, या 10C को बीट कर सकती है नहीं, क्योंकि जो दोनों की प्राइस रेंज के अंदर डिफरेंस है वो अच्छा खासा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जी दोनों डिवाइसेस आप देख सकते हो कि आ गई है इस टाइम पे, नो रीसेट ऐप इज रनिंग इन द बैकग्राउंड। अगर आप मेरी वीडियो देखते रहते हो तो आपको पता ही होगा कि जो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे वो रीबूट टेस्ट करेंगे, जिसमें हम डिवाइस को जो है वो दोबारा से रीस्टार्ट करके चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन सी डिवाइस जो है वो पहले रीस्टार्ट होती है। तो अभी हम इनको रीस्टार्ट करने लगे हैं, तो ये हमने इन दोनों को रीस्टार्ट कर दिया है इस टाइम पे। अब हमने देखना ये है कि कौन सी डिवाइस जो है वो पहले रीस्टार्ट होती है। तो जब तक टेस्ट हो रहा है काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, और अगर आप फेसबुक वीडियो देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। MI का जो लोगो है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पे पहले आया है, उसके बाद 10C का लोगो आया है। तो अभी आगे देखते हैं कि हलचल किस में होती है। पहले हमने जो है ये पासवर्ड वाली स्क्रीन तक चेक करना है इसको, क्योंकि वहाँ तक हम समझेंगे कि लोड हो गई है डिवाइस। तो आप देख सकते हो कि हलचल पहले टेक्नो के लोगो में स्टार्ट हुई है। अब MI का जो लो है वो डायरेक्ट पासवर्ड बिना जाए, लेकिन MI के अंदर भी हलचल जो है वो थोड़ी सी शुरू हो गई है, और ये जो है पासवर्ड वाली स्क्रीन पे 10C में आ गया। तो 10C लोड हो चुका है और ये आप जाके रेडमी जो 12 है वो लोड हुआ है। तो डिफरेंस आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा है। तो क्लियरली जो विन है वो 10C कर रहा है। अब जो है जी हम टिकटॉक चला के चेक करेंगे और देखेंगे कि टिकटॉक पहले किस में लोड होती है। तो टिकटॉक के ऊपर जो है हमने टैप कर दिया है, लोगो पहले पॉपअप इसमें हुआ है 10C में, और ये 10C में वीडियो लोड भी हो चुकी है, और ये आप जाके जो है रेडमी 12 में वीडियो लोड हो गई है, लेकिन अभी तक जो है वो चल नहीं रही। तो आप देख सकते हो कि अगर टिकटॉक जो है वो पहले किस में क्लियरली चलेगी, तो 10C फास्टर है अभी तक तो फिलहाल टिकटॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो है हम अमेजोन शॉपिंग चला के चेक करेंगे और देखेंगे अमेजोन शॉपिंग भी इसमें पहले चलती है तो लोड, और ये जो अमेजोन शॉपिंग है ये भी 10C में पहले लोड हो चुकी है। डिफरेंस थोड़ा था, आपको हो सकता है वीडियो रोक के देखनी पड़े, लेकिन 10C में पहले लोड हुई है अमेजोन शॉपिंग। अब जो है हम नेटफ्लिक्स ला के देखेंगे और देखेंगे नेटफ्लिक्स किस में पहले लोड होती है। तो टैब हमने कर दिया नेटफ्लिक्स पे, लोगो पहले अगेन 10C में आया है, और ये 10C में लोड होगी, अब जाके जो है रेडमी 12 में लोड हुई है। तो डिफरेंस आपके सामने है। अब जो है हम फेसबुक चला के देखेंगे और देखेंगे कि फेसबुक किस में पहले लोड होती है। तो टैब हमने कर दिया फेसबुक, तो अब देखते हैं, और ये लोडिंग वाली स्क्रीन पे फेसबुक जो है पहले 10C में आया है। तो आप देख लो कि इसमें भी क्लियरली 10C जो है वो विन कर रहा है। अब जो है हम कैंडी क्रश चला के देखेंगे और देखेंगे कि कैंडी क्रश इसमें पहले लोड होता है। तो टैब हमने कैंडी क्रश पे कर दिया है, अब देखते हैं कि कैंडी क्रश इसमें पहले लोड होती है। स्क्रीन पहले चेंज हुई है 10C में, अब जाके 10C और ये लोड भी हो गया है 10C में, मैं इससे पहले कुछ बोलूँ, और अब जाके रेडमी 12 में लोड हुई है ये स्क्रीन। तो मेरे बोलने से पहले पहले ही जो है स्क्रीन चेंज हो रही थी और सारा कुछ हो रहा था। तो जो बस आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और 10C ले लेना। अब जो है हम सबवे सर्फर चला के देखेंगे और देखेंगे कि सबवे सर्फर किस में पहले लोड होता है। तो ये टैप कर दिया सबवे सर्फर को, स्क्रीन पहले जो पॉप हुई है वो 10C में हुई है, स्क्रीन अगेन 10C में पहले चेंज हुई है, लोडिंग पे आ गया है, और 61 पे 52 81 96 54, और ये सबवे सर्फर जो है 10C में लोड हो गई है। तो क्लियरली डिफरेंस आपके सामने, अब जाके रेडमी 12 में लोड हुई है। तो अब गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि कौन सी लेनी चाहिए, लेकिन अभी आगे पबजी मोबाइल और कॉल ऑफ ड्यूटी पड़ी हुई है। अब जो हम कॉल ऑफ ड्यूटी चला के चेक करेंगे और देखेंगे कि कॉल ऑफ ड्यूटी किसमें पहले लोड होती है। टैब हमने कर दिया है दोनों डिवाइसेस के अंदर, लेकिन जो स्क्रीन पहले पॉपअप हुई है वो कॉल ऑफ ड्यूटी की 10C में लोड मतलब पॉपअप हुई है। तो बस चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एक साथ बाकी स्क्रीन चेंज हो रही हैं। अब मज़ेदार रिजल्ट आने वाला है,
Redmi 12 में वेटिंग फॉर अपडेट पे आ गया है, मतलब ये इंफॉर्मेशन वगैरह ले रहा है। अब हमने डायरेक्ट यही देखना है कि लोडिंग किस में पहले होती है, क्योंकि जो फास्टर वो 12C में अभी तक तो मुझे लग रहा है, सॉरी Redmi 12 में मुझे लग रहा है। अब आगे देखते हैं कि किस में पहले लोडिंग होती है, बड़ा शॉकिंग रिजल्ट होने वाला है, तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। काम तो मुझे Redmi 12 आगे लग रहा है थोड़ा सा, 10C थोड़ा सा पीछे लग रहा है। तो अब देखना ये है कि कौन सी डिवाइस में पहले लोड होती है। ये आपके सामने लोडिंग शोडिंग चल रही हैं, पिछली डिवाइसेस के अंदर तो आपके सामने है कि पिछले रिजल्ट्स के अंदर तो 10C ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है Redmi के अंदर, लेकिन अब हमने देखना है कि क्या Spark 10C जो है वो Redmi 12 को बीट करेगा या नहीं करेगा। और बड़ी माजरत के साथ ही मैं थोड़ा सा दोनों के जो नाम है उनको स्वैप कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि मैं कंफ्यूज कभी कभी हो जाता हूँ इन दोनों के नाम के अंदर। तो क्योंकि इसका 10C है, उसका Redmi 12 है, तो बस वो थोड़ा बहुत स्किप हो जाता है। तो अभी बस ये लोडिंग हो रही है, अब हमने देखना ये है कि लोडिंग जो है वो कौन सी डिवाइस में पहले होती है। अब आप देख लो, लोडिंग स्क्रीन चल रही है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रही है ये, तो देखते हैं कि किस में पहले लोड होता है ये। तो चैनल को आपने बस ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन पर क्लिक कर देना है, और अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर देना है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है ताकि मज़ीद आपको वीडियोज़ मिलते रहें। और ये जो 10C है इसमें ये फुली लोड हो चुका है, हालांकि मुझे Redmi 12 के अंदर ये लग रहा था, लेकिन ये है Redmi 12 में अब जाके लोड हुआ। तो 10C में क्लियरली जो कॉल ऑफ ड्यूटी है उसने अच्छा रिजल्ट दिया और फर्स्ट नंबर पे लोड हो गई है, तो क्लियरली डिफरेंस आपके सामने है। अब जो है हम जी पबजी मोबाइल चला के चेक करेंगे और देखेंगे कि पबजी मोबाइल किस में पहले लोड होता है। तो पबजी पे टैप कर दिया हमने, तो बस चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन पे क्लिक कर देना अगर मज़ीद आपको वीडियोस मिलती रहें इस तरह की। अब हमने ये देखना है कि कौन सी डिवाइस में जो ये पबजी मोबाइल है ये पहले लोड होती है। स्क्रीन एक बार जो है वो थोड़ी सी हलचल हुई है, वो Redmi 12 में हुई है, अभी तक 10C के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। और ये स्क्रीन अगेन जो है Redmi 12 में चेंज हुई, अब जाके 10C में चेंज हुई है, तो दोनों डिवाइसेस जो है वो और ये 10C में लोड भी हो चुकी है। तो ये बड़ा ही फास्टली लोड हुई है पबजी। तो अगर आप पबजी फैन हो तो आपको पता होगा कि कौन सी डिवाइस अब आपको लेनी चाहिए। ज़्यादा टाइम हम नहीं वेस्ट करते इन दोनों डिवाइसेस में, क्योंकि अभी तक जो है वो पबजी Redmi 12 में लोड नहीं हुई और 10C में लोड हो चुकी है, तो डिफरेंस आपके सामने क्लियरली है। अब जो हम फिंगरप्रिंट टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि फिंगरप्रिंट कौन सी डिवाइस का जो फास्ट है। दोनों में जो है वो साइड फिंगरप्रिंट है, आप देख सकते हो दोनों में साइड फिंगरप्रिंट हैं। तो अब हमने देखना ये है कि कौन सी डिवाइस का जो फिंगरप्रिंट है वो फास्ट है। तो चेक करते हैं, 1, 2, 3 दोनों का एक साथ ही है, लेकिन मुझे Redmi 12 का जो है वो ज़्यादा फास्ट लग रहा है। 1, 2, 3 अगेन Redmi 12 का जो है वो ज़्यादा फास्ट मुझे लग रहा है। 1, 2, 3 अब मुझे 10C का यहाँ पे थोड़ा सा जो है Redmi 12 का सॉरी लग रहा है फास्ट, लेकिन एडिटिंग के टाइम पे पता लगेगा क्योंकि डिफरेंस फ्रेम्स के अंदर ही है, तो वहाँ पे पता लगेगा कि कौन सी डिवाइस जो है वो उसका फिंगरप्रिंट जो है वो फास्टर है, वहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगा। तो ये थी हमारी दोनों की टेस्टिंग वीडियो, स्पीड टेस्टिंग वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।